भारत का अधिकांश भाग पानी की कमी के खतरनाक दौर से गुजर रहा है। देश के 90% गांवों में आज भी पानी को जमीन से खींचा जा रहा है। चिंता की बात यह है कि ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर कोई ठोस योजना है ही नहीं। इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च के मुताबिक रोजाना तकरीबन 85 लाख पंप देश भर में करोड़ों लीटर पानी धरती की कोख से निकालते चले जा रहे हैं। भारत के सुइसाइड कैपिटल विदर्भ में ग्राउंड वाटर यानी भूजल तेजी से खत्म हो रहा है। पिछले 10 सालों में ये 30 से 90 मीटर तक गिर चुका है। यही हालत है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की। यहाँ पिछले एक दशक में ग्राउंड वाटर का स्तर 4 से 9 मीटर नीचे गिर चुका है। जमीन में काना पानी पानी ने 25-25 हजार वर्ष जूनू पानी खेचवा माटे काम करी रह्यो छे। કેટલા દિવસ સુધી અંદરથી પાણી નીકળ્યા કરશે? દર વર્ષે બોર ફેલ જાય, કોઈનો 2 વર્ષે ફેલ જાય, કોઈનો 4 વર્ષે ફેલ જાય, ખેડૂતે જે મૂડી નાખી હોય એ પણ પાણીમાં જાય, એનો કોઈ ઉપાય ખરો કે નહીં? વાતો ના વડા કરે ના ચાલે, કામ કરી બતાવવું પડે। एक समय था जब गुजरात में कम से कम 4000 गांव को टैंकर्स के जरिए पानी पहुंचाना पड़ता था। आज जल क्रांति के युग में गुजरात का लगभग हर गांव टैंकर मुक्त हो चुका है। आखिर ये करिश्मा हो कैसे गया? गुजरात भर में युद्ध स्तर पर चेक डैम बनाए गए और बनाए जा रहे हैं। चेक डैमों का डिजाइन कुछ ऐसा होता है कि नदी को जगह जगह रोक दिया जाता है। इससे पानी भारी मात्रा में एक ही जगह इकट्ठा होने लगता है, लिहाजा ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो जाता है। गुजरात में सन 2001 और 2006 के दरमियान 1,10,000 चेक डैम बनाए गए। गौरतलब है कि आजादी से लेकर सन 2001 तक केवल 4,000 चेक डैम बनाए गए थे। आप 45 वर्ष में कांग्रेस ना शासन में आखा गुजरात में कुल 12,000 खेत तलावड़ी बनी है। सन 2003 और सन 2006 के दरमियान 1,37,000 खेत तालाबों को बनाया गया। गुजरात भर में सन 2001 और सन 2005 के बीच ग्राउंड वाटर का स्तर औसतन 4 मीटर ऊपर आ गया है। केवल नर्मदा के कारण नहीं हुई, उसके पानी के कारण नहीं हुई, मगर ये चेक डैम्स माइक्रो चीजें कर लोगों को इन्वॉल्व कर ऐसी चीज करना जो कि लोगों के हित में हो और वहां तक लास्ट आदमी तक पहुंचे। दक्षिण गुजरात में पानी ज्यादा मात्रा में है। यहाँ से पानी को सौराष्ट्र और कच्छ भेजने की योजना बनाई गई। बड़ी बड़ी पाइपलाइनों का जाल बिछा दिया गया। हम कहते हैं ना, बिली और नॉट बिली। गुजरात में ये जो पाइपलाइन वाली बात है लगभग एक ऐसा ही किस्सा है। इस तरीके से करीब 10,000 विलेजेस हमने कवर किया है और गुजरात में भूगर्भ का आधारित जो पीने का पानी की व्यवस्था थी उसको हमने क्रमशः बंद कर रहे हैं। सरदार सरोवर प्रोजेक्ट का मेन कैनाल 532 किलोमीटर लंबा है। इसका 400 किलोमीटर भाग बनकर तैयार हो चुका है। इससे 4 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई और 4,000 गांवों को पीने का पानी पहुंचाया जा सकता है। सन 2001-2002 में पानी के एक बहुत बड़े संकट के दौरान नर्मदा का पानी कैसे निकाला गया, उसकी कहानी अद्भुत है। गुजरात सरकार ने एक फैसला लिया कि जो पहाड़ उसके बाजू में है उस पहाड़ में विस्फोट करके सुरंग बनाई जाए और उस सुरंग में से इस पानी को अगर गुजरात राज्य में पहुंचाया जाएगा तो ये कितना अच्छा होगा। उन्होंने फैसला लेके विस्फोट करके सुरंगें बनाई और वहां पर 100 हॉर्स पावर के 60 पंप लगाए गए। उन पंपों के जरिए आज ये पानी पूरे गुजरात में जा रहा है केनाल के नेटवर्क से और पूरी जनता को पीने का पानी और सिंचाई का मिल रहा है। मैं कच्छ से आ रहा हूँ तो कच्छ के लोगों के लिए अभी पानी आ गया नर्मदा का, तो इतनी बड़ी उसकी वैल्यू है कि जो एक पानी की अछत वाले देश में रहने वाले को ही पता चलता है। पानी की कमी होने पर गरीबी, बेबसी और मौत हमारा दरवाजा खटखटाने लगती है। ये है विदर्भ के किलिंग फील्ड्स। इस इलाके में खेती कम और आत्महत्याएं ज्यादा होती हैं। हर 8 घंटों में औसतन एक किसान आत्महत्या कर लेता है। कुछ फांसी के फंदों पर लटक जाते हैं और कुछ कीटनाशक पी लेते हैं। यहाँ के किसानों को पेस्टिसाइड की इतनी खुराक जरूर नसीब हो जाती है जो उनकी मौत के लिए काफी होती है। अठारह मई सन 2006,
केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार ने संसद को बताया कि सन 1993 और 2003 के दरमियान देश भर में 1,248 किसान आत्महत्या कर चुके हैं। आजकल महाराष्ट्र का विदर्भ क्षेत्र किसानों की आत्महत्याओं को लेकर हर रोज अखबारों की सुर्खियों में रहता है। जब इरिगेशन का पानी मिलता है तब फार्मर को भगवान के ऊपर आधार नहीं रखना पड़ता है और फसल अनसर्टन नहीं हो जाती है। महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में और कोई राज्यों में जहां जहां इरिगेशन नहीं मिला है और पानी नहीं मिला है, फार्मर्स की इनकम अनसर्टन होती है, डेट बर्डन बढ़ता जा रहा है और सुसाइड होते हैं। देश भर में खेती को लेकर काफी मायूसी का माहौल है। नेशनल कमीशन ऑफ फार्मर्स ने गुजरात मॉडल की खूब तारीफ की है। गुजरात का किसान ने आवक 3 वर्ष में बमणी करी दे। आज जो ये वर्षे 1,00,000 रुपया कमाता हो तो 2,00,000 रुपया कमाता हो। पहले हम मेरे को तो 50,000 की आवक होती थी और अभी तो उससे ज्यादा होकर 1,50,000 की आवक हो जाती है। Whereas if you look at India, agriculture, where bulk of our people still derive their income from, in India is growing only at between 2 and 3.5%. Whereas in Gujarat, we have even maintained a double-digit growth in agriculture.